पल पल हर पल तेरी लगन। मेहमान मेरी तू है जान मेरी। तो दोस्तों ये क्लिप उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक रैंडम इंटरव्यू। अच्छा सब बोलते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। क्यों? अच्छा सब बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है हाँ। अरे भैया आगे बढ़ ले। ठीक है अच्छा बताओ 50 किलो लोहा है भाई, 50 किलो रुई है, ठीक है, और 50 किलो आलू है, किसमें बैठ जाता होगा? लोहा। मस्त जोक मारा रे। हाँ आयरन है, लोहा। हाँ लोहे में होगा। लोहे में होगा। लोहे में कैसा होगा? लोहा भारी होता है क्योंकि। अच्छा लोहा भारी होता है। हाँ। तो ऑडियंस सही कहती है क्या? क्या है तो तीनों 50 किलो ही। हाँ। पर वजन तो लोहे में ज्यादा होगा। अरे अब तो समझ जा, वजन लोहे में ज्यादा होगा। हाँ। वजन की बात कर रहे हो ना आप, तो रुको जरा। है 50 किलो तीनों। हाँ। तो वजन लोहे में ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि वो भारी होता है। यार तुम ना बहुत बदल गए हो, ना टाइम देते हो। इनके साथ ये हो गई है भाई, उनके जीवन में तरह तरह की सिचुएशन आती रहती है। अब ये क्लिप उन लोगों के लिए है कि ऐसी सिचुएशन अगर किसी के जीवन में आ जाए तो भैया इससे कैसे निजात पाया जाए। ना मुझसे ठीक से बात करते हो, समझ रहे हो? यार मोना देख ऐसा है, अगर मैं सारी बातें तेरे से अभी कर लूंगा ना तो बातें खत्म हो जाएंगी। और ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो चाहती है ना सारी बातें इसी जन्म में खत्म कर दूं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी करके तेरे से 7 जन्म तक सारी बातें करूं। समझ रही है ना मेरी बात? हरामी हो। अब कंप्लेंट नहीं करना ठीक है? पता है तुझे कल मेरा फोन ही खराब हो गया। अरे फिर? फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। इस बड़े मोबाइल और सोशल मीडिया ने और कुछ किया हो ना किया हो यार, लेकिन इंसान को बिजी बहुत कर दिया है। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो। हाँ अच्छा आदमी है यार। इनकम टैक्स वालों मेरे पास काला धन है। और फिर यही बोले कि मेरा पति मुझे बेल्ट से मारता है। अपने घर जाना है। किट्टू मम्मा की मुट्ठी में क्या है? भाई इतना सच भी नहीं बोलना था भाई। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख कर क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे? ये बयान सुनकर के मैं कुछ कंफ्यूज सा हो गया हूँ यार, आपके क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको भी मच्छर काट रहे हैं तो वजह जान लीजिए, इसके पीछे बहुत ही गंभीर समस्या है जिससे मैं आज आपको रूबरू कराने वाला हूँ। कि शादी हो जाती है उसे मच्छर नहीं काटते हैं, क्योंकि मच्छरों को पता है कि परमानेंट खून चूसने वाली आ ही गई, अब इसके पास खून ही कितना बचेगा, सब तो वही चूस जाएगी। तो छोड़ो अब हम लोग दूसरा शिकार खोज। दोस्तों औरतों के भागने के किस्से इतने बढ़ते जा रहे हैं कि सामान चोरी हो तो हो लेकिन बीवी नहीं भागनी चाहिए। तो सजनी रे कैसे कटे दिन रात। बारिश भी है मैं भी हूँ पर तुम कहाँ हो? बस पहुंच रहा हूँ मेरी जान, तुम्हारी गली के कुत्ते अगर जिंदा छोड़े तो। Rockstar! Look at you dancing!
भाई अगर जेल जाने का डर नहीं होता ना तो इसको कोई ना कोई तो गोली मार ही देता यार। अब देखो लड़के अगर किसी लड़की को पसंद करे भी तो कैसे करे, चचा का दिल तो पहले ही आ जा रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम डॉक्टर या इंजीनियर ही बनो, तुम मेरी मम्मी के दामाद भी बन सकते हो। उसमें तो तुम्हारे चचा का दिल आ गया मिया, क्या बोलूं मैं उसको। बस ये दिल मांगे मोर। उसकी एक एक वीडियो देख रहा हूँ, पोस्ट भी कर रहा हूँ, देखो मैं अच्छी है, साफ सुथरी अच्छी है। तो भाई ये वीडियो पसंद आए या ना आए, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, यूं ही तुम्हारा दिल दुखाने के लिए मैं आता रहूंगा।